हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानवप्राय। आप देख रहे हो हिंजरेक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से अपने आईफोन एसी को iOS 14 के अंदर आप अपडेट कर सकते हो। सो ये मैं मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑफिशियल मेथड है एंड एकदम लेजिट तरीका है। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी आईफोन को iOS 14 के अंदर अपडेट कर सकते हो। रिसेंटली दोस्तों iOS 14 का जो अपडेट है उसे पुश किया गया है सभी आईफोन के अंदर जो भी iOS 13 के अंदर रनिंग कर रहा था। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले वाईफाई के साथ कनेक्टेड कर लेना होगा। तो मैं जल्दी से वाईफाई के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो लेता हूँ। कनेक्ट होने के बाद आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ पर जनरल के अंदर, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको iOS 14 का जो अपडेट है वो दिखा देगा। ऐसे देख पा रहे हो मेरे पास जो आईफोन एसी है दोस्तों, इसके अंदर iOS 14 का अपडेट दिखा दे रहा है एंड 2.14 GB का ये अपडेट है। एंड यहाँ पर लैंड मोड के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस किया गया है। बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंजेस है, बट ये सभी चेंजेस दोस्तों आईफोन एसी के लिए अपलेबल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चेंजेस है जो कि सिर्फ आईफोन 11, 11 प्रो के लिए है। सो आईफोन इसी के लिए क्या क्या चेंजेस होगी उसके लिए मैं अलग से रिव्यू वीडियो डालूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एज वेल दोस्तों मुझे आपके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल में टाइप कीजिए एंड यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड दे देने के बाद आपको आपका जो यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन को आपको यहाँ से एग्री कर देना होगा दोस्तों, तभी दोस्तों आप iOS 14 को अपडेट कर पाओगे लेटेस्ट वर्जन के अंदर। यहाँ पर आपको दिखा देगा कितना टाइम लगेगा ये अपडेट को आपके आईफोन के अंदर इंस्टॉल होने में। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आईफोन स्टोरेज देख लीजिए दोस्तों, अभी फिलहाल मेरा जो डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर जो आईफोन स्टोरेज है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, लगभग 2 GB का अपडेट है। एंड यहाँ पर जो स्टोरेज है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस का स्टोरेज है दोस्तों 2 GB एक्स्ट्रा आपको नहीं दे रहा होगा। आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो 2 GB जो है उसे ओवरराइड कर देगा। एंड देख ही पा रहे हो 19.6 GB यहाँ पर यूज हो चुका है 32 GB के अंदर से। एंड यहाँ पर जो 2 GB हम डाउनलोड कर रहे हैं दोस्तों iOS 14 का, वो क्या होगा जो सिस्टम है सिस्टम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ iOS 13 अभी फिलहाल रनिंग कर रहा है, iOS 13.7 यहाँ पर फिलहाल रनिंग कर रहा है मेरे आईफोन एसी के अंदर। एंड्रॉइड के अंदर जो स्कोर आया है दोस्तों वो भी आप यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों 179449। सो अभी देखने वाली बात होगी iOS 14 के अंदर अपडेट करने के बाद क्या हमारा जो स्कोर है दोस्तों ज्यादा होता है और क्या हमारा स्कोर कम होता है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है वो भी देखने वाली चीज होगी। लगभग 4 मिनट हमें यहाँ पर वेट कर लेना होगा। 2.1 GB की अपडेट है iOS 14 का। सो जितने भी दोस्तों iOS 13 डिवाइस है सभी के अंदर iOS 14 का अपडेट को पुश किया गया है। iPhone 6 प्लस, आईफोन एसी, आईफोन 7, 8, आईफोन 10 मतलब XR, उसके बाद आपका आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स सभी के लिए है। बट आईफोन 6 के लिए अपडेट नहीं है दोस्तों एंड 6X के लिए भी अपडेट नहीं है। एनीवे उससे साथ दोस्तों iOS आईपैड ओएस के लिए एंड वॉच ओएस भी अलग से लॉन्च किया गया है। सो इसका जो रिव्यू वीडियो है दोस्तों आईफोन इसके अंदर iOS 14 के साथ साथ क्या क्या इंप्रूवमेंट मिला है, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। वो उसके लिए आप वेट कर सकते हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल डाउनलोड होने थे, डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो सक्सेसफुली जो iOS 14 है मैंने आईफोन एसी के अंदर मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल नाउ में टैप करते हैं, उसके बाद जो डाउनलोड है वेरीफाई होगा एंड देन आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू कर देगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस 10 मिनट टू 15 मिनट तक लग सकता है, इसलिए आपको वेट कर लेना होगा। एंड आपके डिवाइस के ऊपर 80% के ऊपर चार्ज होना चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपका जो फोन है उसको कई दफा बंद हो सकती है। सो बेटर आपका जो फोन है उसे फुल चार्ज कर लीजिए, उसके बाद iOS 14 का जो अपडेट है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सो हमारा जो फोन है दोस्तों अभी बंद हो गया है, अभी ये जो अपडेट है हमारे आईफोन इसके अंदर इंस्टॉल होगा। सो अपडेट को मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। सो हमारा जो डिवाइस है यहाँ पर अपडेट हो चुका है एंड अपडेट होने के बाद यहाँ पर मुझे पासवर्ड मांग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर बता रहा है हमारा जो डिवाइस है iOS 14 के अंदर अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर जो बैटरी ड्रॉप है बहुत ज़्यादा हुआ है एंड यहाँ पर आईफोन का एनालिटिक्स में शेयर नहीं करना चाहता हूँ। एंड यस iOS 14 के अंदर आ गया है हम, नया विजिट्स भी हमें मिल गया। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर मैं आपको जनरल के अंदर अबाउट में जाके दिखा दे रहा हूँ iOS 14.0। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा दूँ तो शायद और भी अच्छे से देख पाओगे। iOS 14.0 आईफोन एसी है एंड
यहाँ पर अगर बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज देख लेते भाई सब। यहाँ पर देखो दोस्तों स्टोरेज यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिला है, मतलब लगभग 500 MB एंड 600 MB मेरा जो स्टोरेज है यहाँ पर चूस लिया है, बट कोई बात नहीं भाई सब, ये तो बनता ही है। बट ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पर नहीं लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर इंस्टॉलेशन वीडियो भाई सब। मैंने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप करके किस तरह से किसी भी आईफोन को, मतलब जो जो सपोर्ट करता है iOS 13 को, उसके अंदर iOS 14 का अपडेट आया है उसको किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। इसका जो रिव्यू वीडियो है iOS 14 का आईफोन इसके अंदर जल्दी आने वाला है, थोड़ा दिन यूज़ कर लूँ उसके बाद मैं आपको जरूर से बना के दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। ओके चलो।